नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बात आज सबसे बड़ी खबर की बुलेटिन में करेंगे। आरक्षण पर अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी कोटे में आरक्षण सीमा के भीतर अलग से वर्गीकरण करने यानी कि सब कोटा बनाने का फैसला दिया था। अब इस फैसले के बाद देश के एससी एसटी वर्ग में एक चिंता थी कि क्या उनके लिए संविधान के तहत मिले आरक्षण के अधिकार में कटौती होगी या फिर एससी एसटी कोटे के अंदर ही सब कोटा बनाया जाएगा। लेकिन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह साफ कर दिया है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के सुझाव से सहमत नहीं है और एससी एसटी आरक्षण में कोई भी बदलाव नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है, इसका मतलब हुआ कि छुआछूत खत्म नहीं हुआ, इसलिए आईएएस के बेटे को रिजर्वेशन जारी रहेगा। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने ये बताया कि एससी एसटी आरक्षण पर केंद्र सरकार का रुख आखिर क्या है। उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के दिए संविधान का हवाला दिया और ये कहा कि वहाँ एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ क्रीमी लेयर का मतलब उन लोगों और परिवारों से है जो उच्च आय वर्ग में आते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एससी एसटी आरक्षण का प्रावधान संविधान के अनुरूप होना चाहिए और इसलिए आज सरकार की तरफ से बड़ा फैसला एससी एसटी आरक्षण को लेकर किया गया है। सरकार ने क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है ये कहा है और ऐसे में सरकार अब सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर अपना बयान दे रही है और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह साफ किया है कि चूंकि संविधान में क्रीमी लेयर को लेकर कोई ऐसा प्रावधान नहीं है तो ऐसे में जो आरक्षण लागू है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होंगे। सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार एससी और एसटी के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। कैबिनेट का सुविचारित मत है, वेल थॉट थ्रू डिसीजन है। और आइए अब आपको बताते हैं कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनमें उन्होंने क्या कुछ बड़ी बातें एससी एसटी आरक्षण को लेकर कही है। तो एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का विरोध किया गया, भीमराव अंबेडकर के संविधान का उन्होंने हवाला दिया और इसके साथ ही एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है इस बात का हवाला देते हुए कहा गया कि क्रीमी लेयर का जो मतलब है उनसे है जो कि उच्च आय वर्ग में आते हैं। आरक्षण का प्रावधान संविधान के अनुरूप होना चाहिए और इसीलिए पहले से जो लागू है वो वैसा ही रहेगा, उसमें कुछ भी बदलाव की बात नहीं है। अब आपको बताते हैं कि आखिर एससी एसटी कोटे को आरक्षण क्यों जारी रहना चाहिए। देखिए, आजादी के 77 साल बाद भी अभी तक हालत सुधरी नहीं है। एससी एसटी वर्ग का नौकरी में प्रतिनिधित्व काफी कम है, समुदाय के चुनिंदा लोगों को ही अब तक नौकरी मिली है। आज भी उन लोगों की जो मानसिकता है वो नहीं बदली है। दलित को उनकी जाति के नाम से ही पहचाना जाता है, उच्च पद पर जाने के बाद भी मान सम्मान उतना नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। समाज के अगड़े वर्गों के बराबरी सभी को लाना है तो ऐसे में आगे बढ़ाने के लिए समान अवसर मिलना चाहिए। अगड़े पिछड़े के बीच ये जो अंतर है उसे मिटाना है। पिछड़ेपन का शिकार रहा है एससी एसटी समुदाय। आरक्षण की सहायता से सामाजिक स्थिति को बदलने की कोशिश की गई है और सभी वर्ग की हालत में सुधार की कोशिशें जारी है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से ये तर्क दिए गए हैं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोटा के अंदर सब कोटा की बात कही गई थी, लेकिन सरकार ने अपना ये तर्क दिया है कि प्रावधान ऐसे संविधान में नहीं है तो ऐसे में जो पहले से लागू एससी एसटी आरक्षण है वो वैसा ही रहेगा। अब एससी एसटी में क्रीमी लेयर शामिल नहीं किए जाने के फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। अब इस मुद्दे पर एनडीए के साथ ही इंडी अलायंस के नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं कि हम संविधान की भावना का आदर करने वाले लोग हैं,
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में एससी एसटी के उत्थान के लिए आरक्षण का जो प्रावधान रखा है उसमें किसी भी तरह की क्रीमी लेयर की कोई अवधारणा नहीं थी। कैबिनेट की बैठक में उसी अनुरूप व्यवस्था बनाए रखने का निर्णय सरकार की सकारात्मक सोच को दर्शाता है। हमारी सरकार एससी एसटी वर्ग से आने वाले लोगों का कल्याण के लिए दृढ़ संकल्पित और प्रतिबद्ध है। इस निर्णय से इन वर्गों में किसी तरह की कोई भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी और इंडी गठबंधन के लोगों को ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति करने का मौका भी नहीं मिलेगा। यह पूर्णतः स्वागत योग्य कदम है। संविधान में जो व्यवस्था की गई है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए उसमें कोई क्रीमी लेयर की बात नहीं कही गई है, इसीलिए फिलहाल अभी क्रीमी लेयर सरकार उस दिशा में लागू नहीं करेगी। इस फैसले से स्पष्ट हो गया कि देश में जो संविधान में वर्णित तथ्य है उसके आधार पर अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण का लाभ मिलेगा। जो हमारे नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा था कि एससी एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं होना चाहिए, उस पे मोहर कल कैबिनेट ने भी लगा दिया है। बाबा साहब अंबेडकर के आरक्षण के अनुसार आरक्षण में कोई सब कैटेगरी नहीं होना चाहिए बल्कि सीधा फ्लैट रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि कैबिनेट के इस कदम का हर किसी को स्वागत करना चाहिए। इधर हाल के दिनों में जो मामले सामने आए थे उस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि केंद्र सरकार विसंगतियों को दूर करने के लिए अविलंब अध्यादेश लाने का कार्य करे और इसमें एससी एसटी को जो वर्गीकरण किया गया है उसको समाप्त किया जाए। जिस तरह से कैबिनेट की ब्रीफिंग बाहर आई है और जिस तरह से कोर्ट का फैसला था, उन दोनों को देखते हुए सबसे पहले जरूरी है कि जितनी नॉर्मल सेंसस होती है वो अभी तक मोदी सरकार ने क्यों नहीं कराया। सबसे पहले जरूरत है कि मोदी सरकार देश में जनगणना कराए और जनगणना कैसे आर्थिक सामाजिक और जाति समीकरण के साथ, ताकि हमें पता चल सके कि किसकी क्या आज के डेट में समाज में पोजिशन है, स्थिति है, ताकि उसी हिसाब से हम उनके लिए नीतियां बना सके। देखिए, ओलंपिक में अपना परचम लहराने के बाद अब भारतीय हॉकी टीम वापस दिल्ली लौट आई है और हम आपको ये सीधी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर जब ये टीम पहुंची, जो खिलाड़ी पहुंचे हैं उनका जोरदार स्वागत किया गया। हॉकी के सूरमा का भव्य स्वागत दिल्ली एयरपोर्ट पर किया गया है। आपको बता दें कि आज जब ओलंपिक में हॉकी की टीम ने मेडल जीता उसके बाद से ही देश भर में खुशी की लहर थी और सभी इंतजार कर रहे थे कि कब हॉकी के जो सूरमा हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो वापस स्वदेश लौटेंगे। और आज दिल्ली एयरपोर्ट पर जैसे ही वो पहुंचे तो कड़ी सुरक्षा के बीच इन सभी खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया है। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सभी खिलाड़ी जो हॉकी को लेकर ओलंपिक में उन्होंने परचम लहराया और भारत को मेडल दिलाया है, उसके बाद से ही पूरे देश में खुशी की लहर थी। और ये मेडल आप देख रहे हैं, जो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है, देखिए मेडल भारत को जो मिला है उसके बाद से ही देशवासियों में अलग सा जोश था और इंतजार इन सभी खिलाड़ियों का किया जा रहा था। और आज जब यहां पर सभी हॉकी के खिलाड़ी पहुंचे हैं तो उनका जोरदार स्वागत किया गया है और ये खुशी देखते ही बन रही है। अगर आप खिलाड़ियों के चेहरे पर एक नजर डालें तो मुस्कान है और ये मुस्कान इसलिए भी क्योंकि ओलंपिक में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाने की एक खुशी है। और आप देख ही पा रहे होंगे किस तरीके से जो खिलाड़ी हैं वो डांस करते हुए नजर आ रहे हैं और इन सभी का भी भव्य स्वागत यहाँ पर किया गया है। और ये खुशी हो भी क्यों ना, इतने दिनों के बाद जब भारत को ओलंपिक में हॉकी में खास तौर पर ये मेडल मिला है। और पहले भी कहा गया था कि जैसे ही हॉकी टीम ने ये मेडल जीता उसके बाद से ही कहा जा रहा था कि एक बार फिर से जो हॉकी पहचान है भारत की उसे रिप्रेजेंट किया है इन सभी खिलाड़ियों ने, भारत का पुराना गौरव वापस लौटा है तो खुशी का माहौल हर जगह। आप इंडिया बुला सकते हैं, आपको दुख है
बिल्कुल आई थिंक मेडल मेडल होता है और देश के लिए मेडल लेके आना सबसे बड़ी बात है। जो हमारी कोशिश थी कि हम फाइनल तक जाएं और गोल्ड मेडल जीतें, बट अनफॉर्चुनेटली वो हमारा सपना पूरा नहीं हुआ। बट हम खाली हाथ वापस नहीं आए हैं एंड बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल जीतना ये भी हिस्ट्री है हॉकी के लिए और आई थिंक बहुत प्राउड है हम। किसको डेडिकेट करेंगे ये मेडल? ये पूरे इंडिया को करेंगे कि जितना आप लोगों ने सबने प्यार दिया है हमें वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये स्पोर्ट आपकी हमेशा हमारे साथ रहे यही उम्मीद करते हैं। आई थिंक काफ़ी इमोशनल मोमेंट था उनके लिए भी और क्योंकि इतना समय उन्होंने जो हॉकी को दिया है टीम को दिया है आई थिंक वो बहुत बड़ी बात है एंड लास्ट मैच खेलना और मेडल के साथ फिनिश करना इससे बड़ी बात उनके लिए भी कोई नहीं है। तो हमारा यही था कि उन जो वो जा रहे हैं तो उनको अच्छे से भेजें मेडल के साथ भेजें और हम बहुत खुश हैं उनके लिए। बट ऑफ कोर्स अभी वो रिटायरमेंट दे चुके हैं बट वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। बिल्कुल सर, तो ओलंपिक में मेडल जीतकर वापस जब स्वदेश लौटे हैं ये सभी खिलाड़ी तो खुशी काफी ज्यादा है और इसमें उन्होंने कहा भी कि ये पूरा क्रेडिट जो है भारतीय को जाता है क्योंकि सभी भारतीयों ने उनके लिए प्रे किया, उनके लिए विशेष मांगे और उनके प्यार की वजह से ही आज वो मेडल जीतकर वापस आए हैं। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे अगली खबर की और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार को विशेष पैकेज, आम बजट में बिहार को विशेष पैकेज मिला है। विशेष पैकेज के तहत पहली किस्त में 5532 करोड़ मंजूर किया गया है। विभिन्न योजनाओं के लिए ये राशि दी गई है। पहली किस्त में बिहार को 3651 करोड़ दिए गए। सड़क निर्माण के लिए 1500 करोड़ मिले हैं, ग्रामीण सड़क के लिए 1500 करोड़ और शिक्षा विभाग के लिए 500 करोड़ जो है वो दिया गया है। और आप बता दें 700 करोड़ रुपए की राशि जल संसाधन विभाग को दी गई है, 332 करोड़ स्वास्थ्य विभाग के लिए, 700 करोड़ पीएचईडी के लिए और 300 करोड़ की राशि मंजूर की गई है। तो ऐसे में जो बिहार को विशेष पैकेज मिली है अब उसकी पहली किस्त जारी की गई है। तो बिहार में विकास की रफ्तार को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से विशेष पैकेज की मंजूरी की गई और इसमें विभिन्न योजनाओं के लिए 5532 करोड़ रुपए दिए गए हैं। न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जिसकी मांग बहुत दिनों से की जा रही थी वो मांग बजट में पूरी की गई और अब पहली किस्त में वो राशि भी दे दी गई है। बिल्कुल, देखिए विशेष दर्जे की मांग थी बिहार की और नीतीश कुमार की, लेकिन विशेष दर्जा का प्रावधान नहीं होने के कारण एक आम सहमति बनाई गई एनडीए के सभी घटक दलों में, जिसमें जदयू भी प्रमुखता से शामिल हुई और यह कहा गया कि विशेष पैकेज बिहार को मिलेगा और विशेष पैकेज की जो पहली किस्त है वो बिहार आई है। और देखिए कई योजनाएं हैं बिहार के अलग अलग, शिक्षा के क्षेत्र में कह लें, सड़क के क्षेत्र में कह लें, बिजली के क्षेत्र में कह लें, तो हर क्षेत्र के लिए जो राशि निर्गत की गई है और जो राशि बड़े पैमाने पर निर्धारित की गई थी तो उसकी पहली किस्त बिहार को मिली है। और जाहिर सी बात है कि अगले वर्ष चुनाव होना है तो लोकसभा चुनाव में ही कई घोषणाएं की गई थी बिहार के लिए, कई बातें की गई थी और अब विधानसभा का चुनाव होना है तो जाहिर सी बात है कि तैयारी अब विधानसभा की ओर है और कहीं ना कहीं लोगों में यह मैसेज देने की भी कोशिश होगी कि केंद्र सरकार ने, बिहार सरकार ने जो वादा किया है वह वादा जो है वो पूरा कर रही है। और एक किस्त भी ये बता रहा है कि किस तरीके से जो केंद्र सरकार ने बिहार के लिए स्पेशल पैकेज की बात कही वो पैकेज अब मिलना शुरू हो चुका है, क्योंकि ये सवाल भी उठ रहे थे कि आखिर पैकेज कहाँ गया, क्या बिहार को मिलने जा रहा है, विशेष दर्जा नहीं मिला तो आखिर विशेष सहायता में क्या मिला, तो अब ये चीजें दिखने लगी हैं सतह पर। शैलेंद्र, फिर बात वही है कि विशेष पैकेज का अब जब मिल चुका है और पहली किस्त भी जारी कर दी गई है, क्या विपक्ष की तरफ से कोई रिएक्शन अब तक सामने आ पाया, क्योंकि अभी भी आरजेडी विशेष राज्य के दर्जे को लेकर ही राजनीति कर रही है? बिल्कुल, देखिए आरजेडी की मांग है कि बिहार को विशेष पैकेज नहीं और जो विशेष पैकेज मिला है वो भी नाकाफी है। आरजेडी का कल भी ये कहना था, कल भी राज्यसभा में जो महागठबंधन के जो सांसद हैं उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया और मनोज झा ने इसको लेकर के बयान भी दिया, तो कुल मिला के कह लें कि विपक्ष को अभी भी यह मंजूर नहीं है। लेकिन दूसरी ओर यदि हम बात करें बिहार की और केंद्र सरकार की, तो एक बड़ी राहत बिहार को जरूर मिली है
और एक कहा जा सकता है कि जो घोषणा की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है, घोषणा के बाद अब पहले, ठीक है शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। और हम दर्शकों को एक और बड़ी खबर इस बीच बता दें, बिहार सरकार ने 20 सूत्री समिति गठित की है और सभी 38 जिले के लिए समिति का गठन किया गया है। जिले के प्रभारी मंत्री इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं और एनडीए के दलों के जिला अध्यक्ष को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। 20 सूत्री कमेटी के उपाध्यक्ष बने एनडीए के दलों के जिला अध्यक्ष और सभी जिला कमेटी में 25 सदस्य बनाए गए हैं। 20 सूत्री कमेटी के सचिव डीएम बनाए गए हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है और पटना के 20 सूत्री अध्यक्ष सम्राट चौधरी बनाए गए हैं। अगर हम बात आरा की करें तो आरा के 20 सूत्री कमेटी के अध्यक्ष विजय सिन्हा बनाए गए हैं। एमपी, एमएलए, एमएलसी, महापौर इसके सदस्य बनाए गए हैं और सभी जिला कमेटी में 25 सदस्य रहेंगे। और शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए, शैलेंद्र अगर हम इस फैसले को देखें तो कितना फायदा इससे एनडीए को मिलने जा रहा है और किस प्लानिंग के तहत ये सब कुछ बदलाव किए गए हैं? देखिए प्लानिंग साफ है कि सामने चुनाव है, 2025 का चुनाव है और 2025 के चुनाव के पहले जो एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं वो उसमें एकजुटता दिखाने के लिए और जिला स्तर पर पंचायत स्तर पर जो पार्टी के नेता हैं कार्यकर्ता हैं उन्हें भी सूत्री कमेटी में डाला गया है ताकि वो एक साथ बैठकर काम कर सके और आपसी सामंजस्य जो है, आपसी तालमेल है वो बनाया जा सके। और भी सूत्री कमेटी की मांग पिछले कई दिनों से उठ रही थी कि भी सूत्री कमेटी बनाया जाए सरकार के द्वारा ताकि उसमें तमाम, चूंकि उसमें पार्टी के जो लोग होते हैं, जो जिलाध्यक्ष होते हैं उन लोगों को उसमें मौका दिया जाता है, जो अलग अलग राजनीतिक दलों के जो एनडीए के घटक दल हैं उनके जो नेता हैं उन्हें उसमें जगह दी जाती है। तो ये एक कहीं ना कहीं तैयारी थी एनडीए सरकार की कि एक बिसूत्री कमेटी बनाई जाए ताकि सभी लोगों को मौका मिल सके और जिला स्तर पर जो जो कार्य है बिहार सरकार के विकास के उसकी समीक्षा भी हो सके। और देखिए इसमें जो जो प्रभारी मंत्री जिस जिले के हैं उन्हें वहां का अध्यक्ष बनाया गया है, साथ ही साथ जो सांसद, विधायक, राज्यसभा के सांसद हों या एमएलसी हों उन्हें भी इसमें पदेन अध्यक्ष बनाया गया। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि एक बड़ी पहल है बिहार सरकार की जिसपे बिसूत्री कमेटी बनाया गया और इसमें सभी को, सभी जिलों के लिए बना दिया गया कमेटी और 25-25 लोग हर जिले में इसके सदस्य होंगे। दूसरी ओर अब लोगों की टिकाहें, जो लोगों की जो निगाहें हैं वो टिकी हुई हैं बोर्ड और आयोग पर कि वो उसका गठन कब होता है। माना जा रहा है कि बिसूत्री कमेटी के गठन के बाद अब जल्द ही बोर्ड और आयोग का भी गठन होगा और इसी महीने या अगले महीने तक बोर्ड आयोग का भी गठन बिहार में हो सकता है। जी ठीक है शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर करेंगे। अररिया के पलासी में अनोखे पुल निर्माण मामले में अधिकारियों को जांच का आदेश दे दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ठेकेदार, ग्रामीण कार्य विभाग के एग्जीक्यूटिव और जूनियर इंजीनियर ने जमीन के मालिक के बिना सहमति के नक्शा आखिर कैसे तैयार कर लिया और आखिर कैसे इस पुल की योजना को अमली जामा पहना दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ठेकेदार ने बिना मापी के ही पुल का निर्माण कर दिया है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता सतीश कुमार। अररिया के पलासी में अनोखे ब्रिज मामले में विभाग के मंत्री ने अधिकारियों को जांच का आदेश तो दे दिया है। जोकीहाट के विधायक हैं श्री शहनवाज आलम, तो मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अंतर्गत इसका निर्माण हुआ है और बता दें कि 1 किलोमीटर 700 मीटर जो है इसकी लंबाई है सड़क की और उसी में इंक्लूडिंग जो है 2 स्पैन का आरसीसी ब्रिज है, तो टोटल जो है करीब 3 करोड़ रुपए की यह योजना है और पथ का नाम जो है पार्ट ए तरबी से डुमरिया मुस्लिम टोला, पार्ट बी आरसीसी पुल स्पैन और तरबी से डुमरिया मुस्लिम टोला साथ अप्रोच सड़क निर्माण। तो यह तस्वीर जो है सामने आई है बिहार के अररिया से, जहां पर बिना अप्रोच के ही जो है पुल का निर्माण करा दिया गया और सामने जो बात आ रही है कि अब विभाग का कहना है कि जमीन मालिक जमीन नहीं दे रहे हैं जिसकी वजह से जो है अप्रोच पथ का निर्माण नहीं किया जा सका। तो ठेकेदार ने स्पेशल जवाब दिया कि इसमें मुआवजा नहीं मिलता है, इनकार कर दिया। मुआवजा नहीं मिलता है, ठेकेदार बोला? हाँ ठेकेदार बोला है। अच्छा, तब जाके जमींदार जाके ऊपर कागज है। हाँ, बिना नक्शे के, बिना नापी के बनाया।
बिना नक्शा बिना नापी के बनाया। सतीश कुमार, न्यूज 18, पलासी, अरड़िया। और बड़ी खबर आपको बेगूसराय से बता दें, जहां अपराधियों ने एक ही परिवार के चार लोगों की गला रेतकर हत्या की कोशिश की है और इसमें पति पत्नी और एक बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटे की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे इलाज के लिए स्थानीय पीएचसी में भर्ती कराया गया है। घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के रसीदपुर की है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। परिवार में चीख पुकार मचा हुआ है। चार लोगों की हत्या की कोशिश की गई, जिसे पति पत्नी और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई है और बेटे की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब पुलिस की टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है कि आखिर हत्या के पीछे की वजह क्या रही है, कौन ऐसे लोग हैं जो इस हत्या के पीछे शामिल हैं। और बड़ी खबर आपको पटना से बता दें, जहां कोचिंग संस्थान के खिलाफ कार्रवाई अब शुरू कर दी गई है। गैर निबंधित कोचिंग पर 25,000 से लेकर 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने कमेटी के साथ समीक्षा की है और कुल 138 कोचिंग संस्थान जांच में अयोग्य मिले हैं। अब ऐसे कोचिंग संस्थान से जुर्माना भी वसूला जा सकता है। 138 गैर निबंधित कोचिंग को बंद करने का तत्काल निर्णय लिया गया। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी को इन कोचिंग के खिलाफ कार्रवाई का आदेश भी जारी कर दिया गया है। डीएम ने 339 लंबित आवेदनों की जल्द जांच करने के आदेश भी दिए हैं और इसके साथ ही बड़ी कार्रवाई। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइंस।